होला बहन के भाई लोगों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब के सब बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई लोग, आज आ चुके हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने, जिस वीडियो में हम एक ऐसी हरकत करेंगे, एक ऐसी चीज करेंगे जो भाई कोई भी चाइनीज प्रो नहीं कर सकता, लेकिन वो सब कुछ आगे जाके होगा। फिलहाल तो हम उतर चुके हैं मिलिट्री बेस में, मिलिट्री बेस में सी बिल्डिंग नहीं गए क्योंकि भाई डर लगता है। तो इधर भी उतरे फैक्ट्री में, फैक्ट्री में उतर के हम लोगों ने थोड़ा पंचिंग वंचिंग ऐसे किया क्योंकि गन नहीं देते ना उतरते, बॉट थोड़ी है, बॉटों को मिलती है भाई उतरते गन, हमें सिर्फ शॉट गन मिलती है। तो इधर हमें मिली शॉट गन और हमारे भाई को मिली थी शायद M16 कोई गन मिली थी। तो वो उधर चले गए उधर फाइट वाइट करने, हम शॉट गन से इधर देख रहे थे कि कोई बाहर से तो नहीं आ रहा, इतने में वो उधर जाके मिल भी गए। तो मैं इधर से थोड़ा सा पीक लेके उसको कवर देने की कोशिश करता हूँ और आगे फिर एक छोटी सी फाइट होती है, आप फाइट को इंजॉय कीजिए, मिलता हूँ मैं आपको फाइट के बाद। पीछे चला गया हील करने। ओके राहुल इधर आ, इधर आ राहुल, हील कर रहे हो, हील कर रहे हो, एक बंदा हाथ लगा दो, इधर आ रहा मार, पीछे से आ गया राहुल, तीन नॉक है उसके, पीछे से आ रहा है, पीछे से आ गया, पीछे से, बहुत ही प्यारा, हाथ रख, तो इधर तो भाई एक ही किल मिला, वो भी शॉटगन का एक फटका, जो फ्लिक शॉट मारा था वो तुम्हारे भाई का कनेक्ट हो गया उससे। इसके बाद हम आगे निकलते हैं और इधर फैक्ट्री के साइड, फैक्ट्री से तो एक्चुअली हम आए थे ऑफिस के साइड, या लेबोरेटरी जो भी बोलते हैं, पुलिस स्टेशन बोलते हैं कई लोग, इस तरफ आ गए। और इस तरफ हमारे भाई लोग थोड़ा बॉट वॉट मारने में बिजी हो गए, बहुत लड़ने लग जाते थे। मतलब जो हमारे 4 नंबर भाई हैं वो तो एक बार रो ही दिए थे क्योंकि उनकी बॉट की किल चोरी हो गई थी। तो आगे बॉट के चक्कर में एक और बार वो ऐसे रोते रोते रहने वाले हैं, पर अभी तुम्हारा भाई एक मस्त सा क्लच करेगा इधर, जो 40 MO है कि मैं उससे अभी देखो आप और इंजॉय करो, बस मस्त क्लच होने वाला है। राइट से आ रहे वो, नाइस की, बहुत लोग जाते हैं। राहुल इधर आ, हाथ लगा, राहुल इधर आ, हाथ लगा, उसका रुक बंदा जा दूर बंदा है, है, मेरे पास ठीक है बंदा है, दो बंदे हैं, एक और मिश्कर लास्ट गोपी, रिलोड अबे भाई मैं अटक रहा कर, अब इधर दो बंदों को तो ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद एक और बंदा आता है, उसके ऊपर आप प्री फायर का एक नमूना देखो और आपके भाई की थोड़ी तारीफ होती है वो भी देखो। भाई गोपी तो प्रो है, तू ही तो है भाई, लास्ट के गोपी छह तो तो प्रो प्रो है है भाई। भाई, ले तेरा गिफ्ट, सब घुटने मार रहे थे, गोपी बता रहा है, पता गोपी लगवा है नहीं, अरे भाई ऐसे कैसे मैं मार को, प्लीज यार ये मत करो यार, इधर हमारे भाई थोड़ा सा रोने लग जाते हैं, पहले तो मेरी तारीफ करते हैं, उसके बाद इस बॉट को मारने के लिए थोड़ा भावुक हो जाते हैं वो और चाहते हैं कि वो इनको मारे। तो मैं मार नहीं देता हूँ, पहले वैसे कोशिश तो पूरी की थी कि मार दूँ पर हो नहीं पाया। इतने में ये दूसरा बॉट आ जाता है क्योंकि भाई तुम्हारे भाई की किस्मत में लिखा था बॉट मारना, तो हमने मार दिया। और वैसे एक क्लच अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई ये क्लच, ये सब कुछ मेरी एक स्ट्रीम से लिया गया, हमने हम स्ट्रीम करते हैं इसी चैनल पे, आप चैनल को जरा सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और घंटा दबा सकते हो। और जब तक आप ये कर रहे हो, हम लोग दूसरी फाइट में आ चुके हैं इधर पे स्कूल अपार्टमेंट्स में। तो इधर पे हम आते हैं, इधर हमें सामने की तरफ एक बंदा दिखता है, उसको मैं मार कर देता हूँ। तो वो वैसे उस वादा के बाद में सांप बन जाता है और हमारे भाई उससे लड़ भिड़ जाते हैं और बच जाते हैं। मुझे थोड़ा सा दुख भी है उस बात का। अभी वापस इसके नहीं बाद आएगा, भाई आगे हम अपार्टमेंट्स पे देखते हैं और एक बार आप ज़रा हमारे भाइयों की बातों पे गौर डालना, कैसी वाहियात बातें करते हैं ये, अभी आप देखना। हाँ, और आपके भाई के थोड़े स्कारल के साथ, फोरेक्स के साथ थोड़े नॉक भी देखना, मज़ा आएगा। भी अलग डाल अलग रहा हूँ टीम है। भाई हाँ क्या ओके, हाँ दो टीम्स हैं, तेरी, हाँ दो टीम्स रश हैं, करना है क्या, चौकी है, गु खा ले साले, जब रश करना था साले तब तू नॉक हो गया, अब एक को नॉक करने से भी यहाँ से देखो वैसे कोई फ़ायदा नहीं, हम रश नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 स्क्वाड हैं। तो जब थर्ड पार्टी करने का मौका आएगा सिर्फ तभी एक हमारे पास बेटर ऑप्शन होगा। वो फाइट नहीं कर रहे, वो लोग खुद फाइट नहीं कर रहे साले, घर बता रखा उन्होंने, वो इंस्टेड ऑफ एक दूसरे पे नेट करे हम पे, राहुल को नॉक कर रहे हो बंदा, ओपी साला बॉट कहीं का। वो छत पे आया, इसको नॉक नहीं डालूंगा, सॉरी मैं मजाक कर रहा था, एक को लो किया बॉल, सैंडविच कभी तुम आ जाओगे ना वापस कर लेगा, इस वाली खिड़की पे चल आ जा, 3 शॉट लगे,
तो इधर तुम्हारा भाई दो बंदे नॉक कर देता है। वेल, मैं उससे पहले एक बार मैंने बोला कि भाई छत पे दो बंदे आए, इनको सीधा नॉक फिनिश डालूंगा, लेकिन नहीं डाल पाता। लेकिन उसका बदला हम कर लेते हैं, हम नीचे ही दो बंदों को नॉक कर देते हैं, एक को लेफ्ट में एक को राइट में। उसके बाद नेड वेड करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। और इधर हमारे भाई पता नहीं कितने ही नेट डाल देते हैं ऊपर, और बार बार एक ही बात बोलते हैं, भाई नॉक होगा, अब नॉक होगा, अब नॉक होगा, अब नॉक होगा। भाई मैं परेशान हो गया, मेरी एक ज़िंदगी कट गई, लेकिन इनका बंदा नॉक नहीं हुआ। इसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ इधर उधर घूमते हैं, सारे रूम वूम चेक करते हैं, यही एक सही तरीका होता है अपार्टमेंट्स में रश करने का। लेकिन इसके बाद आपका भाई एक ऐसी हरकत करता है जो कोई भी चाइनीज़ प्रो नहीं कर सकता। आप नहीं बस बेटा, देखते जाओ ये आया है क्या? और देखना, अभी आप इंजॉय तो करोगे। उन्होंने अपने बंदे को नॉक कर दिया। चलो फॉल्ट है। इधर तुम्हारे भाई अबे की आधा तो बहादुरी मैंने का लेफ्ट लेवल पिक कोई चलाया, मैच कर ही नहीं सकता भाई, जो एक बहादुरी मैंने यहाँ कर दी। कोई भी एक वो चाइनीज डाउन है, ब्रो ये एक बात करके दिखा दे भाई, मान जाऊंगा, वो भी कर रहा था। नहीं कर सकता भाई। ये हाँ सिर्फ रखो बहादुरी रखो, तुम्हारा भाई कर सकता है, इंडिया के लौंडे कर सकते हैं भाई। जानता हूँ थोड़ी सी बदतमीजी थी वो, पर इस बदतमीजी का थोड़ा गुस्सा चढ़ गया हमारे साइड वाली स्क्वाड को, जिन्होंने उस बंदे को नॉक किया था, भाई इधर और आ फिर वो पीछे हम आ, पे रश कर जाती है। और मेरे को थोड़ा सा इधर खराब लगता है, क्यों लगता है वो आप देखिए। होती इधर हमारे भाइयों के पास थी MK14 और ग्रोजा, तो भाई सारी के सारी स्क्वाड पेल गए, एक भी किल नहीं मिला भाई। दिल से बुरा लगा यार, सारे किल चले गए। लेकिन इसके बाद आगे तुम्हारा भाई एक और बार इनकी जान बचाएगा और अपनी तारीफ सुनेगा। घर पे आते हैं हम लोग गाड़ी से उड़ते उड़ते, और भाई ये हमारे भाई इधर हमको थोड़ा सा अटका देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इधर उधर, और इधर भाई मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था उस बची हुई स्क्वाड का। सामने जो स्क्वाड है उसको तो हम वो भी देख पीछे लेंगे, गाड़ी आ क्योंकि गई, वो पीछे हमारी गाड़ी आंखों आ के गई, पीछे सामने गाड़ी है। आ गई। लेकिन एक स्क्वाड जो गाड़ियों के चक्कर काट रही थी, जो भाई अलग लेवल पे थी, फिर सामने गाड़ी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा उन्होंने थर्ड पार्टी क्यों नहीं की। लेकिन भाई कसम से एक बारी के लिए मेरे को बहुत डर लग रहा था। लेकिन इधर फिर तुम्हारे भाई के दोनों भाई नॉक हो जाते हैं, और फिर तुम्हारा भाई जो क्लच करता है एक बंदे पे 1v1, तुम देखो बस। अबे फील्डिंग है भाई, फुल फील्डिंग है भाई। ये क्यों ना लास्ट ये अंदर है, ओके लास्ट नॉट देखा, लास्ट। गोपी हाथ एक लगा, मेरे तू को हाथ है लगा प्रो पहले भाई, गोपी मान भाई, गया, गोपी नहीं। तू है प्रो। ओ भाई मजा प्रो आया का यार। तो पता नहीं, पर भाई तुम्हारा भाई है अपने भाइयों का ब्रो, तो इसलिए अपने भाइयों की जान बचा ली उधर पे, और क्लच कर दिया एक आध बंदे पे। और भाई फिर उसके बाद इधर पे देखो क्या हुआ, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं लाइक मांगना भूल गया। तो आप कर देना लाइक और सब्सक्राइब भाई, जल्दी से 200 करा दो सब्सक्राइबर्स, और 10-12 लाइक्स कर देना जितनी आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद हम इधर आते हैं। इधर एक्चुअली मैं उन बंदों को इसलिए फिनिश कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था किसी और स्क्वाड ने उनको नॉक किया है। तो इधर भी मैं वही बदतमीजी करना चाह रहा था, वही बहादुरी दिखाना चाह रहा था किल चोरी करके। तो इसके बाद हमारे भाई उधर नॉक हो जाते हैं, उनको रिवाइव मिलता है, लेकिन तब तक दूसरी स्क्वाड पुश कर जाती है और ये दोनों मर जाते हैं। और इधर फिर तुम्हारा भाई 1v3 करता है, ये दो बंदे एक स्क्वाड के, और दूसरा एक बंदा पीछे से अलग टपाटप टपाटप M16 चला रहा था, वो अलग बंदा। कैसे मारते हैं आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो इधर तुम्हारा भाई इस बंदे को मार देता है, इसके बाद लास्ट बंदा बचा है उसको तो हम पेल ही देंगे। लेकिन जाते जाते आउटरो में एक सॉन्ग रखा है गाइस, वो सुनते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम, बाय बाय, रब राखा। आउटरो सॉन्ग जरूर सुनना। वोडका लावा चाहिए, लावा चाहिए, तुम्हारा कुत्ता भर। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, शक में सब बोलेंगे मर गया एक बॉट। लल्ला 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 लल्ला।